नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र का आज का एक नया आदेश आया है जो कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। शाला प्रबंधन समिति से संबंधित, चलिए जान लेते हैं। लैट्स गो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र का ये आज का पत्र, आज 7 सितंबर है, आज ही जारी हुआ है। प्रत्येक जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए विषय समग्र शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत वेतन भत्तों के भुगतान के संबंध में। इसमें नीचे लिखा है कि जैसा कि विदित है कि समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति प्रदान हो गई है, जिसकी प्रति आप सभी को प्रेषित की गई है। जिलों द्वारा पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से सामान्य मद में राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि की मांग की जा रही है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यदि जिले में कैपिटल मद की राशि उपलब्ध है तो उक्त उपलब्ध राशि से वेतन भत्तों हेतु राशि का भुगतान किया जा सकता है। राज्य स्तर से जिलों को सामान्य मद में राशि जारी होने पर कैपिटल मद में इसका समायोजन कराया जाए। इस कार्यालय के निर्देश अनुसार जिलों के शाला प्रबंधन समितियों के बैंक खातों में उपलब्ध अनुपयोगी राशि जिले स्तर के बैंक खातों में जमा कराए जाने के निर्देश हैं। उक्त प्राप्त राशियों में से बैंक इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग समग्र शिक्षा योजना के सामान्य मद के रूप में उपयोग किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। पंकज मोहन है नियंत्रक वित्त, और ये प्रतिलिपि भी दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।